हे सजनों, जब रानी मदनावत के और राजा हरिचंद के आपस में सवाल जवाब हुए, कया था कि एक बार रानी घड़ा ठवा दे, जो जाता ना ठाया, अनुकरण लगी कर पियाजी भंगी के गढ़वे का हाथ लगाया ना जाता। जब इतनी बात हरिचंद की और रानी मदनावत की हुई, तो रानी मदनावत ने एक उपाय बताया था कि महाराज, आप जल में गोता मार के और इस घड़े को उठा लो। सजनों, रानी के कहने से राजा हरिचंद ने घड़ा तो उठा लिया, लेकिन कई दिन हो गए थे हन खाए, बहुत दुर्बल शरीर हो चुका था। लेकर जब चला घड़ा को, तो ठोकर लग के वो घड़ा फूट जाता है, और फूटने के बाद जब जाकर खड़ा होया, कार्य भंगी का श्यामी हमारा हरिया घड़ा कड़ है, नीचे नाड़ कर दी। छो मार के कार्य भंगी उसको रड़का मारता है, तो हाथ जोड़ लेता है राजा हरिचंद, और क्या जवाब देता है। हर मत नड़का मारे, मत रड़का मारे काले, जा प्राण निकड़ हो चारे, तेरे चरणा में सिर मेरा ना आशंग आवती वारे। जो हरिया तो तेरा यो नौकर से ओ काले, तू हर से मत रड़का मारे काले, जा प्राण निकड़ हो सारे, तेरे चरणा में सिर मेरा ना आशंग आवती वाले। हो हरिया तो तेरा यो नौकर से हो काले, तू मेरा हर से। दुख कहना ते चल के मेरी काया दुर्बल होरी, लगी ठेस बतेरी दिल के, जान लकड़ के घना डर से ओ काले, तू मेरा हर से मत रड़का मारे काले, जा प्राण निकड़ हो सारे, चरणा में सिर मेरा ना आशंग आवती वाले। ओ हरिया तो तेरा यो नौकर से ओ काले, तू मेरा हर से। बात रही कोन्या ए करती ना दोस मेरा से झूठी, मन कई कोन्या दुख मान्या सू मैं भारी, तेरी खता और तिलू सारी, तेरा दम धड़क के दूंगा फिलहाल बनी लाचारी। यो जीना तो उम्र भर से हर से मत रड़का मारे काले, जा प्राण निकड़ हो सारे, तेरे चरणा में सिर
बाहर चुकावन ने तेरे मैं दर पे बैठ कजी लूंगा कुछ गात समाई कर ले के पीठ बिना ना सर ले मेरे खत पे जिया रह जा तू धीर गात मैं धर ले तो गर्दन मेरी मर से ओ काले तू मेरा हर से मत रड़का मारे काले ता प्राण निकट हो तारे तेरे चरणा में सिर मेरा ना आशंग आवती वारे यो हरिया तो तेरा यो नौकर से ओ काले तू मेरा हर से कमल सिंह तेरा दोषी सहता क्यों कर विपता काली मेरी हुई कर्म की हानि बुरी समो आवनी दानी तेरा बसती रहियो काशी ले परख दर्द की बानी शरण तेरा तेरा दर से ओ काले तू मेरा हर से मारे काले का प्राण निकल हो जाए तेरे चरणा में सिर मेरा ना आशंग आवती वारे यो हरिया तो तेरा यो नौकर से ओ काले तू मेरा हर से मेरा हर से मेरा हर से मेहरबानो इधर से चंद्रगुप्त समझदार हो जाता है और व्यापार का काम काज संभालने लगा। एक दिन वह समुद्री जहाज में संगलदीप रुई का व्यापार करने के लिए चल पड़ता है। मनसामल सेठ के दो पुत्र थे, उनकी शादी हो चुकी थी। चंद्रगुप्त से उसकी भाभी बहुत प्यार करती थी, तो चंद्रगुप्त अपनी भाभियों से कहता कि बताओ भाभी, आज मैं व्यापार के लिए पहली बार जा रहा हूँ विदेश में, आपके लिए क्या लेकर आऊं? तो उसकी भाभी कहने लगी, उसे परेशान करने लगी कि देव हमारे लिए सच्चे मोतियों का जुड़ा लाना। सजनों बताते हैं, सच्चे मोतियों का जोड़ा होता हो बाजारों में नहीं मिलता, साहूकारों को शादी में मिलता है, और कम मिलता है जब दूल्हे को छंद बुलाते हैं उस समय दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त अपनी भाभियों से क्या पूछता है और भाभी क्या बतलाती है? नमस्ते पहना तो नमस्ते तेरी दो बार नमस्ते के बात है? देखे एक बात बताऊं, हाँ? दो बार तो मैं नमस्ते नहीं कहूं, हाँ? देखे तू परदेसा न जान लाग रहा है। आज पहली बार जाऊं रुई का व्यापार करने खातर। अरे बेरानी कितने एक दिन में वापस आवेगा? कैसे ये तो नहीं, तू मेरा लाडला देवर है, हाँ? देखे जब तू कहने लाग रहा के के ले आऊं, हाँ? तो परदेस मत है, सच्चे मोतियां का जुड़ा जरूर ले आइए देवर। ले तो मेरी बात सुनो। सुना तेरी परदेसा ने जासुरी भाभी जी चावे सो मंगवाइए, सुबह
भाभी जी चावे सो मंगवाइए। आज्ञा लेके मात पिता की आज्ञा लेके जासू पलम छट्टी के देखभाल के जाइए देवर कद जाके न मन भटके। एरी शर्माने का काम नहीं तुम बात कहो बेखटी के भाभी भाभी कर मेरा विश्वास री भाभी अपना मन समझिए। परदेश का कठिन मामला मत देवर घबराइए। परदेशा न जासूरी भाभी जी चावे सो मंगवाइए। सारी ये चीज मिले से माता खतर लाल की रोड़ी जिसे देख के मन खिले से। हाँ मैं तो थारा नौकर सू अरे थारी ये बात पहले से नौकर ना तू घर का मानस ना कड़वी बाजले भाभी ने देवर के मन की भाभी ने देवर के मन की बात जाननी सही है। छोटा देवर घना लाडला तू राजी खुशी आई तेरी परदेसा ने सासुरी भाभी जी चावे सो मंगवाइए। काम नहीं मन करी चलन की तैयारी। सिंगल दीप ते मेरे देवर वा चीज ला दी मारी। मैं उसने राखू याद री भाभी जुन सी चीज तुम्हारी। सच्चे मोती जूड़ा देखते हो जा नहीं मिला ते मेरी री भाभी नहीं मिला ते मेरी भाभी मत मेरे दोसे लगाइए। परदेस में नहीं मिला ते मत आके सन दिखाइए। तेरी परदेस में
सुभापी जी चावे सो मंगे वही हेरी धीरी धीरी री सच्चे मोतिया का जूड़ा मारी खतिर लई मत पूत बिराना बोली मारो पूत बिराना बोली मारो मन लिख हर दे मैं धरली मेरे मुद्दे बात लिखड़गी मैं शर्माती मरेली तेरी सच्चे मोतिया करी जुड़ा लाऊं या मन ने पक्की जरली कर दे गम हरे मन का चाया न्यूते मार जरली सत्यपाल सिंह सतगुरु के आगे सत्यपाल सिंह सतगुरु के आगे नित उठ कैसी से झुकइए करम पाल के संग में मंजूले सुर के बगाइए परदेसा न जा सुरी भाती जी चाव है सो मंगी वहीये आता है जहां उसकी एक टूटी हुई छान थी क्योंकि बेचारा मेहनत मजदूरी किया करता था अपना पेट गुजारा किया करता था उसके पास कोई मकान नहीं था वह तो टूटी हुई छान में ही इस राजबाला को ले आता है और एक बात के द्वारा अजीत सिंह राजबाला को क्या कहता है और वह राजबाला अजीत सिंह की ब्याही उसको क्या जवाब देती है
खुश होकर करती मारता हेरे रे 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 आज खुश होकर करती यार ताज घर पे होती बहाने मेरी सारी कसरे होई पूरी दिल मैं बसरी मुस्कान तेरी मेरा टूटा सपना मेरा झोपड़ा बैठ अड़े दिल जाने मेरी दुख सुख की बोझड़िया मेरी छाती हाँ धरणिया से दुख सुख की बोझड़िया मेरी छाती हाँ धरणिया से एरे फूल की तरिया मुरझा जागी रे फूल की तरिया मुरझा जागी चंद्रमा शीशा ने तेरी सोना कुंदन अलग बना पहचान टूटा सा पड़ा मेरा झोपड़ा बैठे अड़े दिल जान मेरी मेला तभी अच्छी लगे या टूटी सी छान तेरी मेला तभी अच्छी लगे या टूटी सी और गद्देदार नहीं टूटी सी एक खाट भली मन कुछ चाहिए भरतार नहीं एरे मोहन मारा मोती कंठी गर मैनो लख हार नहीं पति ते बड़के पति वरता ता कोई दूजा सिंगार नहीं पति ते बड़के पति वरता ता सब दुनिया ते बढ़ के लगे पिया आने बने और शांति मेरे टूटा सपना मेरा झोपड़ा बैठ अड़े दिल जाने मेरी महिला तभी अच्छी लगे या टूटी सी जान तेरी महिला तभी अच्छी लगे या टूटी सी जान तेरी तेरा और क्या है की नहीं जरूरत मन चाहिए से साथ तेरा दिखे कंगले पण में भी राजी से ते गैल रहेगा नाथ तेरा मन इंद्रपुरी ते बढ़ के लगे साजन
फैसला तेरा इंद्रपुरी ते बड़ के लगे साजन यो फैसला तेरा हेरा हरे राम ते पूछ लिए रे गोरी रे 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 हरे राम ते पूछ लिए तू सपनों की मेहमान मेरी हीरे की परख कर जोरी मेरे दिल में बस किसान तेरी रखा सपड़ा जो पड़ा बैठ अड़े दिल जान मेरी रांझे और हीरे की आपस में नोक झोंक होती है। दिल लेके तुमने मेरी मिट्टी खराब की, हमने खता कौन सी की जनाब की, तो आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं। हेरे के करी से खता कमाल हो गया परदेशी बेहाल मैंने साची बता की सुनी खता जो बिगड़े तेरे ख्याल रांझे झूठायो सब जा खेड़े में कानी के संगी तेरी हुई सगाई कना ओ तू ही बता आशिक रांझे मने कसम खुदा की खाई अकना और मारे की तरसा के परने तू बद जात लुगाई अकना ओ साच बता मैं रोज की ढाला दूध मलाई लाई अकना तू ठगनी हीरे धरे रांझे धीर तने करया न मेरा ख्याल हो गया परदेसी बेहाल परदेसी बैठा के मैं परदेसी बैठा के तने लुटा कलर कोरे मैं मत घबरावे मियां रांझे आई दिलदार धोरे मैं रया घाटी और घर का ना बंदा इतरे प्रेम के डरे मैं देख तेरी गल्या रहूं हमेशा मुले जाट के छोरे मैं तन अकेले हड़ी तेरे पास खड़ी गया करके प्रेम प्रीत तोड़े बता कौन यतिदा कर लेगा सुनी हुई झूठी बातां ते क्यों कर पेटा भर लेगा तेरे कंगना बांध हाथ में कैसे आशिक धीरज धर लेगा ओ करिए पीर यकीन हीर तू बेआई में मर लेगा छू छक जाई मैं आटू खाई तेरी होगी देखा बाल हो गया परदेसी का हाल ओ हमर जानी हीर पीर ते छड़कर का पछतावेगी ओ तेरे प्रेम में बंधी हीर ना
मां तने छोड़ के जावेगी। अरे करके दगा हीर मेरे गल्या न कदी खावेगी। हीर सदा आशिक रांझे तेरे गीत खुशी के गावेगी। सुने कोशी तेरे मन्या चढ़ा से फिकर पड़ा चक्कर मैं ऋषि पाल हो गया परदेसी बेहाल। जब इतनी बात सुनी तनु कर लागी देवर काली मतना माने के बात है न्यू बोली कर देवर बान बैठ जा गावे गीत लुगाई मारा बाजे बाजे गूंज उठे सहनाई मुल्तान शहर की देवर होले राई। और न्यू बोली देखे ब्याह कर ले युष्करण सिंह की जाई आए बात या खास बताई सुकुंदन की सेठानी ने और जब जी में जी आवे ले आवे नौटंकी ने मानी ने। न्यू बोली देवर अड़े तले का मुल्तान शहर की देड़िया तक यानी राजा कर्ण सिंह की देड़िया तक मोर सर्पी की लाल ला दूंगी पर ले ये नौटंकी ने ब्याह के देख अता पता अपने छोटे देवर फूल सिंह को और शेटानी ने वहां से विदा कर दिया। मेहरबानों बताते हो फूल सिंह उस नौटंकी के बाग में बिना इजाजत के बढ़ जाता है। आरामदारी से एक साइड में लेट रहा था कौन के मालूम आ जाती है और आपस में उनकी क्या झड़पड़ होती है भला। बिना हुक्म तू क्यों कर बढ़ गया एरी बिना हुक्म मनुए बढ़ गया। बिना हुक्म तू क्यों कर बढ़ गया परदेसी बाग जनाना एरी तू तम कवे मलरी खुद बाग शब्द मरदाना। बढ़ गया परदेसी बाग जनाना तू तो मैं कवे मलनेरी खुद बाग शब्द मरदाना। सख्त हुक्म से नौटंकी का हरगिज नहीं डटन दूं एरी शरण पड़े की दया करे ते आप भी नहीं घटन दूं। बाहर लिकर ले तेरा बाग में कोना वक्त कटन दूं एरी तड़के चला जांगा मलन मत बेरा नहीं पटन दूं। तड़के किसने देख्या सेरे मैं चालन दूं ना भाना अरे ले देखा तक टुलर तेरी मलर दे दू मार खजाना। बिना हुक्म तू क्यों कर बढ़ गया परदेसी बाग जनाना तू तो मैं कावे मलरी खुद बाग शब्द मरदाना। मेरे घर की चौधर कोना क्यों करतले ठहरा लूं एक रात तू डट लेने दे मैं उठ सबेर जालू। मेरा टुकड़ा खोया जागा क्यों कर मन समझालू। अरे ठहराव के बदले मैं कोई काम तेरा संग वालू। नौटंकी ते दगा कमालू कौन भरे हर जाना। अरे नहीं किसे ने दिखूंगा मैं बनक पड़ना करना। बिना हुक्म तू क्यों कर बढ़ गया परदेसी बाग जनाना तू तो मैं कवे मलनेरी खुद बाग शब्द मरदाना। नहीं मरद का काम बाग में लिकर बाहर परदेसी एरी करने नविसरा में मिली ना छाया बगा केसी। सात घड़ी में खबर लाग जा लागेगी मेरी पेशी। धर्म मूल के तावन लगी मैं मानस न निर्देशी। नहीं लगती तेरे एक भी कहली बहुत जबाना। अरे कर आए सिर मथे हो से जाने सकल जमाना। बिना हुक्म तू क्यों कर बढ़ गया परदेसी बाग जनाना।
शब्द मरदाना और बहुत से ठोड़ ठिकाने जाके शहर में टोले केरा के घट जागारी मलन मेरी पोड़ न होले धोखा करने आरा मानस असली रूप लकोले अरगर तू जाने मतना सुखी निंद्रा सोले कमल सिंह हो बाहरी भागते ना श्रद्धा की है चाहना अरे गणे काम का मानस सुमे काम करू मस्ताना बिना हुक्म तू क्यों कर बढ़ गया परदेसी बाग जनाना और तू दमका वे मालन री खुद बाग शब्द मरदाना अपने यार राजा खंगार के पास पहुंच जाता है कहां की जूनागढ़ में और जब राजा खंगार ने अपने यार तस्वीर बंजारे को देखा तो उसकी आंखों में पानी था नूकन लगा यार के बात हुई नुमला नूत्र आकर रोना पड़ गया मेरा बालक पड़का यारी और उस राजा रोड ने छल करके मेरी खोस लई बंजारी जब राजा रोड का नाम लिया तो राजा खंगार भी एकदम जल में दहशत मान गया नुबला भाई मेरे तो त्यो काम ना हो वो तो बहुत बड़ा राजा है मेरे पास इतनी फौज नहीं जो मैं उसके साथ लड़ लूं नुबला तू कहना क्या चाहता है नुबला तन्ने के बेरा मैं जानू सु मेरा अंग टूट लिया बम्मा जय राजा तय करूं लड़ाई मेरा नहीं लड़ने का संभा पलटन फौज निशाले चाहिए काम नहीं दे नामा और तू मेरे लेखक श्री कृष्ण जी से मैं तेरा यार सुदामा तेरा आगे अर्ज करू सु तू लिहाज राखिए मारी और उस राजा रोड ने छल करके घोस रही बन जारी जब राजा खंगार ने ये बात सुनी तो हाथ जोड़ के अपने यार को अपने पास बैठा लिया और नुकन लगा यार जब तू मेरे पास आई गया तो मैं तेरा काम यो पूरा करूंगा मैं तेरे को वचन देता हूँ सदनों बताते हैं उस राजा खंगार का एक भांजा था जिसका नाम था बीजा राजा खंगार ने एक हलकारे को भेज दिया कहता भी मेरे भांजे बीजा को बुला लिया सदनों बताते हैं वो हलकारा बीजा को लेने के लिए आ जाता है तो बीजा की जो बहू थी उसके पेट में सका जाता है क्या कुछ दाल में काला है वो किस तरह जाता है कि उसकी मामी को उसका शक था क्या बीजा अपनी मामी से गलत व्यवहार करता है सदनों उसकी बीजा की बीरबानी से ये बात सहन नहीं हुई और लोग कहने लगी क्या आप वहां नहीं जाओगे जूनागढ़ बीजा की बहू कहती है कि आपको ऐसा क्या खास काम है जो एकदम तैयार हो लिए नुकन लगा रहा मेरा मामा बीमार है इसलिए मैं जा रहा हूं नुबली नहीं जाना और आपस में क्या सवाल जवाब होते भला ओ मेरा मामा सख्त बीमार मने जूनागढ़ जाना से जूनागढ़ जाना से तेरे बिना बरतारी बता कित छोड़ ठिकाना से मेरा मामा सख्त बीमार मने जूनागढ़ जाना से तेरे बिना बरतारी बता कित छोड़ ठिकाना से देख तेरे बिना बरतारी बता कित पड़े जरूर मेरा ते मामा मरने आला के तू है जीवे का पालम कर जाने की टाला जय
मामा कर जा काल परी हो जग मोटा साला। मने दिखे से भाई रोई के तेरे मामा में काला। तन के काला रे देख्या नुए के काला रे देख्या नुए झूठा झगड़ा ठाणा से झूठा झगड़ा ठाणा से। झूठी नहीं से उड़े तेरा कोई माशू की पुराना से। मेरा मामा सख्त बीमार मने झूना गड जाना से झूना गड जाना से। तेरे बिना भरदार बता कित छोड़ ठिकाना से। देख तेरे बिना भरदार बता कित छोड़ ठिकाना से। इर नहीं कोई मासूक उत क्यों ब्लेम लगारी से। झूठा ब्लेम नहीं लाया तेरे कोई बहुत प्यारी से। बहु नहीं उड़ माँ के नाते की मम्मी मारी से। भाई खड़ी कोई रांड तेरी मम्मी तैयारी से। तेरा राजी खुशी मनेगी या कोई राजी खुशी मानेगी। कोई थप्पड़ खाना से कोई थप्पड़ खाना से। तेरे हाथ से पिट जांगी ते के पछताना से। मेरा मामा सख्त बीमार मने झूना गड जाना से झूना गड जाना से। तेरे बिना भरदार बता कित छोड़ ठिकाना से। देख तेरे बिना भरदार बता कित छोड़ ठिकाना से। रे चुपकी हो के बैठे ऊत क्यों बोले घनी घनी। कायदे ते बतलाया करे दुनिया में बीर जनी। बतलावण की खास नहीं तेरी मम्मी रहो बनी। अरे चुप की हो के शर्म करे तू चुप की हो के शर्म करे। या मुंह पिटवाना से या मुंह पिटवाना से। साची बात कहन में बालम के घट जाना से। मेरा मामा सख्त बीमार मने झूना गड जाना से झूना गड जाना से। तेरे बिना भरदार बता कित छोड़ ठिकाना से। देख तेरे बिना भरदार बता कित छोड़ ठिकाना से। तेरे कैसी मुंह जोड़ बिट कौन फैन लाग्या। इस घर में इसी रान चिड़े उड़ कौन रहन लाग्या। नहीं रहे तो चली जा दुख सहन लाग्या। की ब्याही नत इसी कसूती बात कहन लाग्या। गुरु मंगल चंद आनंद कंद चंद मंगल चंद आनंद कंद चंद। सुर में गाना से लह सुर में गाना से। चंदर लाल ताल सुर बिन झूठा मुंह बाणा से। मेरा मामा सख्त बीमार मने झूना गड जाना से झूना गड जाना से। तेरे बिना भरदार बता कित छोड़ ठिकाना। मौसी की बातों को इनकार करते हुए अपने भाई बसंत के साथ 12 साल के दिसोटा काटने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते जंगल बियाबान में थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाते हैं। छोटा भाई बसंत सो जाता है और रूप जागता है। छोटे भाई बसंत को
एक सांप ने डस लिया, बड़ा भाई रूप रोने लग जाता है, विलाप करता है और उसको कफन आदि का इंतजाम करने के लिए चल पड़ता है। उधर शंकर भगवान और पार्वती दोनों उधर से गुजरते हैं और पार्वती की नजर उस लड़के पर पड़ी। वह शंकर भगवान से उसे जिंदा करने के लिए कहती है तथा शंकर भगवान और पार्वती के आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं। इस लड़के ने जिंदा कर दो शिव शंकर भंडारी, दिखे बिना वचना जिद्दी लावे है पार्वती मेरी प्यारी। इस लड़के ने जिंदा कर दो शिव शंकर भंडारी, बिना वचना जिद्दी लावे पार्वती मेरी प्यारी। इस लड़के ने जिंदा कर दो। खूब बावड़ी सोचो पार्वती तकरार करो, मेरे कहे ते इस काया में सांसा का संचार करो। हेरे कुण सा भजा चाहवे सती रे, पहला मैं खूब विचार करो। बड़े बड़ा के कष्ट मेट दो, बड़े बड़ा के कष्ट मेट दो, जान सृष्टि सारी बिना वचना जी दिलावे पार्वती मेरी प्यारी। लड़की ने जिंदा कर दो शिव शंकर भंडारी, बिना वचना जी दिलावे पार्वती मेरी प्यारी। इस लड़की ने जिंदा कर दो। समझ कहना तू सू मैं कहा मान जा मेरा, इस लड़की में सांस डाल दे के घट नाथ जी तेरा। चल चलेंगे पार्वती क्यों खोया वक्त भतेरा, बेड़े पार लगावनिया सो, बेड़े पार लगावनिया सो, वचना चित लावे रे पार्वती मेरी प्यारी। इस लड़के ने जिंदा कर दो। किसके दुख काटेगी तू ना लेती तू मान, हरी फसल ना काटा करते दे दो इसकी जान। बहुत घनी समझाली रे पगली नहीं लागता तने ज्ञान, और अंतर ध्यान नाथ जी, और अंतर ध्यान नाथ जी दूर करो लाचारी। बिना वचना चित लावे रे पार्वती मेरी प्यारी। इस
रोसा कर री पार्वती तो रोसी रोज मनाइए से राचल त्यागे आगे आ गया न्यूए सास दिवाइए से कमल सिंह के भोले काजी बोल बोल पिंगड़ाइए से सटता दुख सटवाइए सटता दुख सटवाइए से मैं इतने जिंदा जाई बिना वजह ना जीती लावे पार्वती मेरी प्यारी सजनो इधर पवन भूत अंजना को ढूंढता है और उधर अंजना के परिवार वाले भी अंजना को ढूंढते हैं दर बदर भटकते हैं लेकिन किसी को अंजना नहीं मिलती। अंजना भूखी प्यासी थकी हारी जंगल में चलते चलते एक साधु की कुटिया पर पहुंच जाती है तो ऋषि अंजना को देखकर पूछता कि बेटी तुम कौन हो कहां से आई हो क्या काम है। अंजना क्या जवाब देती है और साधु जी क्या पूछते हैं। कौन रात अंधेरी में है इस कुटिया मेरी में कौन रात अंधेरी में इस कुटिया मेरी मैं हूं नगर गाम तू नाम तू कित आरी से तेरी शरण में आई ऋषि जी दुखिया नारी से हूं रात अंधेरी मैं इस कुटिया मेरी मैं हूं रात अंधेरी मैं कुटिया मेरी मैं कौन नगर घर काम नाम तू की तैयारी से तेरी शरण में आई ऋषि दिया दुखिया नारी से कौन रात अंधेरी मैं इस कुटिया मेरी लागे हे लागे के जतन बड़े जब सास बहू ने त्यागे ये बेटी और बता दे ये बता दे मरती की लकड़ी आत्मा भागे ले सास तार तू रही सहार ले सास तार तू रही सहार तेरी सकल बतारी से सास जड़ी ने ता दी घर ते बड़ी लातारी से हुन रात अंधेरी में इस कुटिया मेरी मेरी री री रात अंधेरी में इस कुटिया मेरी आरी से तेरी शरण में आई ऋषि दिया दुखिया नारी से हुन रात अंधेरी में इस कुटिया मेरी नहीं था घर पे ये घर पे कहूं ऋषि जी बारी सिर पे बेटी राख भरोसा हर पे ये हर पे गिरती पड़ती आन चढ़ी तेरे दर पे तेरा धर्म का बाप मत लइए पाप तेरे धर्म का बाप मत लइए पाप ना मोसन सारी से एक एक पल ही मने
रात मेरी मैं इस कुटिया मेरी मैं इक कोण नगर घर काम नाम तू की तैयारी मेरी मैं इसे कुटिया मेरी मैं गण क्यों कर खाल तेरा फासा ये भाषा कंजरी कर दी मन अनपाणी का सासा हम नहीं वीर संग हासा ये हासा विपदा भारी माफी मत ना भासा हाँ बने बिगड़े काम रटो सुबह श्याम बने बिगड़े काम रटो सुबह श्याम ओ खुद न्याकारी से तेरी मैं इस कुटिया मेरी मैं कौन रात तेरी मैं इस कुटिया मेरी मैं हाँ कौन नगर घर काम नाम तू की तैयारी से तेरी शरण में आई ऋषि जिया तू क्या नारी से कौन रात तेरी मैं इस कुटिया मेरी कमल संग माड़ा हे माड़ा सासू ने मेरा बड़का काम बिगाड़ा लगदा पे बूटी झाड़ा हे झाड़ा नहीं मेरा दिल का बाग उजाड़ा बेटी धर ले धीर मैं वरद फकीर बेटी धर ले धीर मैं वरद फकीर मेरा धर्म व्यवहारी से तेरी मैं इस कुटिया मेरी मैं कौन रात तेरी मैं इस कुटिया मेरी मैं।